हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए, जैसा कि मौसम बहुत प्यारा है, बारिश आने वाली है, तो मैंने सोचा कुछ इस बारिश में भीगी भीगी सी बातें कर लेते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आफ बाओ प्रिंसिपल के बारे में। आफ बाओ प्रिंसिपल होता क्या है, ये हमें सिखाता क्या है? एक्चुअली जब हम आफ बाओ की बात करते, लोग ये सोचते आपके बाओ का तो नियम नहीं है, आपके बाओ का तो प्रिंसिपल नहीं। नहीं यार, आफ बाओ एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है विल्डिंग अप। किसी चीज़ को क्या करना, विल्डिंग अप करना, एक जर्मन वर्ड है, ठीक है? तो आफ बाओ हमें ये सिखाता है जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो आपको अभी ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा, 11th के हैं तो थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर किसी क्लास के नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है? तो आफ बाओ हमें ये सिखाते हैं, आफ बाओ का जो प्रिंसिपल है, कि जो हम बिल्डिंग अप करते हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, वो किस सीरीज में करते हैं या किस रूल के हिसाब से करते हैं। एक्चुअली आफ बाओ के नियम के हिसाब से जो हमारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, ये इनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी लेवल बहुत कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले फील किया जाता है, इसके बाद जिनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है उनमें इलेक्ट्रॉन उसके बाद करते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा होता है उनमें इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग सबसे आखिरी में करते हैं। ये हमें सिखाते हैं आफ बाओ जी, ठीक है? तो आफ बाओ जी का कहना ही यही था कि हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में कैसे फील करेंगे, उसके लिए हमें एनर्जी लेवल को फॉलो करना होगा। जैसे आप अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये है आपका ढाबा, छोटा सा, जहाँ सब लोग खाना खा सकते हैं। ये थोड़ा सा VIP होटल है, ये क्या था, ढाबा था ना, ढाबा ढाबा, ये क्या है, थोड़ा VIP है, और नहीं होटल लिख दीजिए अभी, तो होटल लिख दीजिए, नॉर्मल होटल है, ठीक है? अगला क्या है, VIP होटल है भाई साहब, समझिएगा होटल। इसके बाद एक और होटल है जिसका नाम क्या था, 5-स्टार होटल। सोचो अगर कोई आम बंदा है वो इसमें खाना खाना पसंद करेगा या इसमें? भाई साहब उसकी औकात से बाहर है, उसकी एनर्जी उतनी नहीं है, मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है इसमें पहुंच पाए। तो आप बाबू जी का यही कहना था, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ऑर्बिटल में फील करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो पहले ये सबसे लो एनर्जी लेवल में जाते। सोचो कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलते होंगे जो बहुत गरीब थे अब अमीर हो गए हों, मतलब पहले ढाबे में खाते थे अब 5-स्टार में खाते, या फिर पहले ढाबे में खाते थे अब होटल में पहुंच गए हों, कुछ दिनों बाद वो VIP होटल में पहुंच जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो यही आफ बाओ जी का कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल में उनके एनर्जी लेवल के हिसाब से फील होते हैं। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन सबसे लो एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में फील होगा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा हाई, फिर हाई, फिर हाई, बहुत हाई, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फील करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को फील करने के लिए आफ बाओ जी ने एक रूल दिया था, जिस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन फीलिंग रूल। उस रूल को फॉलो करके हम एक सेक्वेंस में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फील कर सकते हैं। जनरली उस रूल से आपको ये चीज़ पता चलेगा कि कभी कभी ये होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो डी वाला ऑर्बिटल है उससे पहले एस आता है ना, तो लोगों को लगता है यार ये एस कैसे आ गया, एस डी में आता है 3D प्रोग्रेस में, ये कॉन्सेप्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। तो अगर आप भी 10th के बच्चे हैं तो आपको ये चीज़ अभी कम समझ में आएगी, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। या फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है। अब वाओ इन जर्मन वर्ड मीन्स बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब क्या, ऑर्बिटल को हम लोग क्या करते हैं, अप करते, फील करते हैं। इसका मतलब फीलिंग ऑर्बिटल किस हिसाब से होता है, इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है ऑर्बिटल में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। सबसे लो एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद। चलिए देखते हैं, अब बाऊ जी ने जो हमें रूल दिया है, जिस रूल से हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उस रूल को अगर हम सीख लेते हैं, रूल तो सीखना नहीं है आपको, ना ही लर्न करना है, मैं आपको अभी ऐसे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि आप 2 मिनट में किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। छोटी क्लास में आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे 2, 8, 8, 18, 32, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन से आपको बहुत सी चीज़ें नहीं पता चल पाती थी, लेकिन आज का जो आफ बाओ का रूल है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इस रूल के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो आप एलिमेंट के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं, उसका पूरा एड्रेस जान सकते हैं, पीरियडिक टेबल में वो कहाँ पर है। चलिए
चलिए पहले बात कर लेते ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स देखिए भाई साहब, होते हैं हमारे एस पी डी एफ। सबसे कम एनर्जी होती है एस की, फिर डी की, फिर पी की, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा चेंज होता है। ये डिपेंड करता है किस ऑर्बिटल में जा रहा है। अब ये ऑर्बिटल क्या है, अगर आपको थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद ये होती है पहली सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे समान चलती रहती है। तो देखिए भाई साहब, ये जो पहला सेल है, अगर आपने क्लास 9th का पढ़ा होगा, एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो जो हमारी पहली सेल होती है, पहले सेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल पाया जाता है जिसका नाम होता है एस ऑर्बिटल। दूसरी सेल में होते हैं हमारे एस और पी ऑर्बिटल। तीसरी सेल में होता है एस पी डी ऑर्बिटल। चौथी में होता है एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स। ये देखिए ऑर्बिटल, अब ये जो आपने देखा था वहां पे, अगर हम बात करें इस सेल का, क्या था ये, के था, एल था, एम था, एन था। इनकी एनर्जी की बात कर लेते हैं, अभी बेसिक चीजें हम लोग सीख रहे हैं, एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा था के की एनर्जी सबसे कम, ये चीज था, ओ पी क्यू तक आप ले सकते हैं। ये इनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर था। अगर ये इनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सोचो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ आएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी। आप बाबूजी तो हमें यही सिखाते हैं, जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले पहले किसमें आएगा, इसमें, इस ऑर्बिटल को। जब ये ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेगा, जब ये भरेगा तो इसमें 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 ऐसे जाते रहेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप कह रहे हैं कि ये दोनों तो एक ऑर्बिटल में, तो दोनों की एनर्जी सेम होगी, नहीं। उसके लिए देखिए मैंने पहले लिख दिया था, सबसे ज्यादा एफ की होगी, फिर डी, फिर पी, फिर एस। इसका मतलब इसमें एस पी दोनों ऑर्बिटल आ रहे हैं ना, मतलब सेकेंड सेल में दोनों ऑर्बिटल आ रहे हैं। दोनों ऑर्बिटल पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एस में जाएगा, क्योंकि एस की एनर्जी क्या होती है, पी से कम होती है। चलिए इतनी बातें हो गई, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे आफ बाऊ जी का रूल है। आफ बाऊ जी का रूल हम आपको जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से लिखिएगा, छोटी सी कहानी बताएंगे आपको, उस कहानी को फॉलो करिएगा, कभी भी आपको आफ बाऊ का रूल भूलेगा नहीं। पहले आप सब एस वन से लेकर के 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ठीक है, इतना आप लिख डालिए। पहले क्या था एस ऑर्बिटल, तो इसको हमने लिख दिया 7 तक। दूसरी बार क्या है पी ऑर्बिटल, तो ऊपर से एक छोड़ के शुरू करिएगा, क्योंकि देखिए आपने पहले सेल में क्या है एस है, हाँ पी है, नहीं है, पी कहाँ शुरू है, दूसरे से। तो हम इसको यहाँ शुरू करेंगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, समझ गए ना आप कैसे लिखना है। अच्छा सोचो, क्या कहीं पर भी 2d है, देखिए सेकंड ऑर्बिटल में 1, 2, 3, दूसरे में कहीं डी दिख रहा नहीं, इसका मतलब डी कहाँ शुरू होगा, यहाँ से। क्यों, क्योंकि आपको देखिए 1, 2, 3, ये 3 वाले में डी दिख रहा है, इसी नंबर को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। देखिए ये बुक आपको बताती नहीं, आप समझ नहीं पाते, ये आप ध्यान से देखिएगा, इसी नंबर को, इसमें क्या आएगा, एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा। तो इसका मतलब देखिए, अगर हम बात करें 3 में एस आया है, देखिए आया है, 3 में पी आया है, देखिए आया है, अब इसके बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, देखिए ये, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 3d, समझ में आ रहा होगा आपको, 3d, 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 इसके बाद क्या होगा 4d, फिर क्या होगा 5d, फिर क्या होगा 6d, ठीक है 6d, इतना आपको समझ में आ गया। फिर से चलते आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिए 1 में क्या था, सिर्फ यस यस थे पहले, देखिए सब यस यस। दूसरे में क्या है 2 में, ये 2 सेल एस एन पी था, देखिए 2 में क्या आया था, 2s 2p आया, समझ में आ रहा है। फिर तीसरे में देखिए क्या था, एस पी डी था, तो देखिए थर्ड में यस आया, 3p आया, 3d आया। स्टार्ट पी का कहां से हुआ, थर्ड से, इसलिए इससे पहले कहीं पी नहीं आया, देखिए सॉरी, स्टार्ट पी का कहां हुआ, सेकंड से, इसलिए देखिए सेकंड से पहले फर्स्ट में कहीं पी नहीं आया। डी का स्टार्टिंग कहां से हुआ, थर्ड से, तो देखिए थर्ड आया, लेकिन कभी भी सेकंड पी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही नहीं हुई, इसकी एनर्जी लेवल इतनी हाई कि यहां पर ये उपस्थित है। इसके बाद का जो हमारा आखिरी वाला होगा वो होगा एफ। एफ कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए तो हमारा 4 से, 4 में देखिए एफ है ना, हाँ चलिए ये हो जाएगा 3d के बाद 4f 5f, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब आपके दिमाग में आया, सर आपने 1f 2f क्यों नहीं लिखा, आप देखिए कहीं s ऑर्बिटल के बाद इसमें कोई ऑर्बिटल आया नहीं,
इसलिए वन में सिर्फ यस यस आए, लेकिन एस सारे में आ रहा। देखिए 1s 2s 3s 4s, देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7। तो अब जब ये नंबर आप सेल बढ़ते रहेंगे तो ये सीक्वेंस भी बढ़ता रहेगा, समझ गए ना आप। लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं आएगा, ये एस पे डी एफ ही रहेगा, क्योंकि अभी तक तो चार ही हमारे ब्लॉक खोजे गए हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये बनाने को बना लिए, इतना आसान तरीका था, आपको समझ में भी आ गया कैसे, ये डायग्राम की मदद से हम लोगों ने इसको तैयार कर लिया। लेकिन इसमें एक सीढ़ी बनती है, सीरीज बनता है, जिसपे हमें मूव करके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी होती है। वो फीलिंग हम लोग कैसे करते हैं, चलिए वो सीखते हैं। फीलिंग करने के लिए हमें इसमें भाई साहब एक छोटी सी कहानी जाननी होगी। एक्चुअली इस कहानी का रोल कुछ ऐसा है, देखिए अभी हम इसको बना ले रहे खटाखट, इसके बाद आपसे बात करते हैं ये कैसे बनता है। देखिए ये जो हमने बनाया ना, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, यार ये फटाफट खींचती है, हमें नहीं समझ में आया कैसे खींचे। परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे खींचना है। चलिए यहाँ पे भाई साहब एक कंडीशन है आपके पास, कंडीशन ये है कि आप समझ लीजिए एक आर सीरीज हो, मतलब धनुधर हो, आपको एक तीर से निशाना करना है। लेकिन निशाना जब भी आप करेंगे उसमें दो लोग हैं, जैसे भगवान राम ने बाली को मारा था तो सुग्रीव और बाली दोनों हमशक्ल दिखते थे। तो यहाँ पे भी कहानी कुछ ऐसी है, लेकिन वहाँ दोनों में दुश्मनी थी, यहाँ दोनों में मित्रता है। मित्रता किन लोगों में है, ये जो फ्रेंडशिप है एक डिजिट और एक अल्फाबेट में है। ये मित्रता या फ्रेंडशिप कह दीजिए इस प्रकार से है कि अगर कोई बंदा डिजिट वाले को टच करता है, उस पर अटैक करता है, तो अल्फाबेट और डिजिट दोनों मिल करके उसको किल करेंगे, तो दो दो लोग हो जाते हैं। लेकिन इसकी एक और खासियत है, अगर कोई बंदा पहले ही अल्फाबेट को टिक कर देता है या मार देता है, तो अल्फाबेट को जब मारता है वो, तो क्या होता है कि जैसे ही वो अल्फाबेट को मारता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हमने इरर किया है, जैसे ही कोई बंदा अल्फाबेट को मारता है तो डिजिट वाला कहता है यार हमसे उनसे कोई मतलब नहीं, तुम्हें मारना हो तो मारो, ना मारना हो तो ना मारो। तो इसका क्या मतलब है, हमारे कहने का मतलब ये है, जब भी आप एरो कहीं से लगाते हो तो ध्यान रखो कि जो एरो का ये मुंह है, ये माउथ पॉइंट है, ये हमेशा अल्फाबेट पे लगे। अगर कहीं डिजिट पे लग रहा है इसका मतलब क्या होगा, वो रॉन्ग होगा, ठीक है। हमेशा को लगाना कहाँ पर है, अल्फाबेट पे लगाना है। और आपको कुछ भी ना आए, अगर ये भी भूल जाए तो आप इस पे आ जाइएगा, कैसे 1s 2s 2p ऐसे करते रहिएगा। चलिए देखते हैं इससे भी कैसे करते हैं। पहले तो आपको इस तरह से सीरीज को लिख लेना है, ध्यान दे देना आपको हमेशा एरो कहाँ टिक करना है, अल्फाबेट पे ही लगना चाहिए। अगर अल्फाबेट पे एरो नहीं लग रहा है इसका मतलब आपका सीक्वेंस क्या, सीरीज क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी टेक्निकल इशू से हमने 2-3 सेकंड के लिए वीडियो को आपको रोक रखा था, चलिए अब सही हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, इस सीरीज में आप बाबूजी हमें जो बताते हैं इलेक्ट्रॉन को फील करना किस ऑर्बिटल में कैसे, वो कैसे करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है लिथियम का, लिथियम का हमें करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और उसमें हमारी मदद कौन करने वाला है, ये अफवाह का रूल, ठीक है। अफवाह के रूल से हम किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, पहला क्या है 1s, लेकिन इसको करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज और ध्यान देनी होगी, किस ऑर्बिटल में कितनी कैपेसिटी है। जैसे s ऑर्बिटल होता है ये ऐसा होता है, s p होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में कितना होता है आपको पता होगा 5, ये क्लास 10th में पहले ही बताया जा चुका होगा, इसमें होता है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा f है,
भाई साहब जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में कितने रह सकते हैं? छः रह सकते हैं अधिकतम, न्यूनतम कितने रह सकते हैं? जितना आप रख सकते हो। डी में कितने रह सकते हैं? 10 रह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। ये हमने क्यों लिखा? अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती कोई बात नहीं, आपको जो सिखाना हम चाहते हैं उतना सीखिए। इसका मतलब ये सब क्या है? ये सब बैग हैं, एस पी सब के सब क्या है? बैग है। लेकिन इस बैग की एक कैपेसिटी है, जैसे आपने मार्केट में देखा पॉलीथीन होती है तो कुछ छोटे वेट की होती है, इसमें 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम का आता है, कुछ में आते हैं 5 kg आते हैं। तो ये सब बैग हैं जिनकी अपनी अपनी कैपेसिटी। ये देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें डी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, मैं कॉमन सेंस लगाओ, अगर 5 किलो की पॉलीथीन है क्या उसमें आप 1 किलो रखोगे तो पॉलीथीन मना करेगी? नहीं ना। लेकिन 6 किलो रखोगे तो जरूर मना करेगी, मतलब 6 किलो जैसे ही आप उसमें ऐड करोगे तुरंत कहेगी भाई साहब मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है, आप इसको ले जाओ किसी और में रखो नहीं तो मैं गिरा दूंगी। वही कंडीशन यहाँ पर होती है। इसका काम है कि अगर इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे मिल रहे हैं तो पूरा भर जाएगा, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आधा भरेगा, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं तो जाएगा ही नहीं उसमें। जैसे आप मार्केट गए कुछ खरीदने, 2-3 थैला लेके गए छोटा बड़ा, आपने सामान खरीदना शुरू किया, अपने सामान खरीदा एक थैला भर गया, फिर थोड़ा सा और खरीदा दूसरा भर गया, तीसरे के लिए अपने सामान खरीदा ही नहीं तो जरूरत क्या थी कुछ? ठीक है जरूरत नहीं थी अगले थैले की, नहीं तो ऐसे इसमें भी जो अगला थैला होगा अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं होंगे तो नहीं भरेंगे। चलिए पहले क्या था? 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। फिर क्या है? 2s, समझिएगा 2s, इसमें भी आते हैं 2, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 3। यहाँ 2 हो गया तो यहाँ कितना बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ अगर आप 2 भर देते टोटल 4 हो जाता, लेकिन उतना इसके पास था ही नहीं, हम उतने इलेक्ट्रॉन भरेंगे जितना इसके पास होगा। चलिए अगला एक बड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं, सोडियम, पहले क्या आएगा? 1s2, फिर क्या आएगा? 2s2, फिर क्या आएगा? 2p6। चलिए देखते हैं, 2 2 4 2 6, यहाँ कितने थे? 11 थे, 2 2 4 6 4 10, 10 हो गए ना। देखिए 2 2 4 6 4 10, अभी कितने बच्चे हैं? एक बचा है। देखिए 1s2 2s2 2p6, इस पर आएंगे 1s2 2s2 2p6, 3s किस पे गया? 3s। अब इसमें चाहिए 2, लेकिन हमारे पास है कितना? 10 तो हो गए, तो हम इसमें एक ही भरें, अगर हमारे पास और होता तो हम भरते। चलिए इस पे आते हैं, इतना तो सेम है, इतना तो भाई साहब सेम है, 1s2 2s2 2p6, 3s। देखिए ये सब 10 हो गए, लेकिन हमारे पास कितना है? 19 है। अब इसमें 2 रख दिए, कितने हो गए? 12। 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक आ गए 1s2 2s2 2p6 3s2। अब आएंगे हम लोग 3p। जब हम 3p में आते चेक करते हमारे बैग में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 2 4 6 10 12, 12 खत्म हो गए, कितने बचे अभी? 7 बचे हैं, इसमें डाल दीजिए आप 6। अब कितना बचा? 1। 3p के बाद अब कहाँ आएंगे? 4s में। तो जैसे ही आप 4s में जाएंगे तो ये कहेगा हमें 2 चाहिए, लेकिन आप कहेंगे नहीं मेरे पास 1 है लेना हो तो लो नहीं तो मत लो। चलिए देखिए ये चीज़ है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाती है, उसी तरह से इसका भी कर डालिए, आप सेम कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक चीज आपको नई सिखाते हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन को हम फील करते हैं। ये देखिए जो नंबर चेंज हो रहा है, ये नंबर 1 था यहाँ 2 हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे 1 था यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ से कितना हो गया? 3। यहाँ पे 1 था 2 2 2 2 2, यहाँ से क्या हो गया? 4। यहाँ पे इतना 1 था 2 2 2 3 4। अब भाई साहब जितनी बार ये नंबर चेंज हुआ है उतने ही इसमें ऑर्बिटल बनेंगे, या फिर कह सकते हैं जो सबसे बड़ा नंबर होगा इसमें, ये देखिए 4 है इसमें, 3 है इसमें, 2 है इसमें, 4 है इसमें, इसमें इतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे इनका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए लिथियम का, लिथियम पहले एक क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद कितनी सेल? 1 2 2 सेल बनेंगे, एक सेल दूसरी सेल। अब हमने बोला था ये बोलते हैं एनर्जी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, ये पहला क्या होगा? एस होगा, तो पहला क्या है? एस। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 1 2। दूसरा क्या है? यस ही है, लेकिन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? देखिए ये एन इक्वल टू 1 था और ये क्या है? एन इक्वल टू 2 है, अगर 2 होगा तो देखिए 2s में गया। चलिए इसके लिए कर लेते हैं, सोडियम के लिए कितने सेल बनेंगी देखते हैं, 3 सेल बनेंगी।
चलिए एक हो गया हमारा न्यूक्लियस, ए दो तीन। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, कितने भाई साहब, दो। यहाँ पे कितने हैं, छः, दो आठ। यहाँ पे कितने, एक। अच्छा अगर आपको ये लगे ना ये कैसे आता है, तो जितने सेम डिजिट के नंबर पे हैं, जैसे दो पे दो पे, तो सबको जोड़ के यहाँ लिखा हमने। अब यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप क्लास 9th में सीख चुके हैं, यही से करते थे ना, 281, 2281 करते थे, 2818 करते थे। तो ये कहाँ से आता था, ये यहाँ से आता था, वहाँ पे आपको रफली सिखाया गया था। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, कितने आए, दो। तो पहले सेल में एक दो, दूसरे में कितने आए, आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तीसरे में कितने आए, वन। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इस तरह से आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करिएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइएगा अपनी कॉपी में। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।